हेलो स्टूडेंट्स मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस जैसे बच्चों हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हम अपने पॉलीनोमल चैप्टर के पैसेज को कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम नया पैसेज पैसेज नंबर ट्वेंटी फाइव क्या कहता है करा जस्ट बिफोर द मॉर्निंग असेंबली ए टीचर ऑफ किंग किन्डर स्कूल ऑब्जर्व सम क्लाउड्स इन द स्काई एंड सो द सी कैंसल्स असेंबली व दैट द क्लाउड्स एज शेप ऑफ पोलिनोमियल द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लाउड शोनिंग फिगर ओके यानी कि जो भी आपका शेप दिखाई दे रहा है क्लाउड का वो पैराबोलिक शेप में दिख रहा है जिसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोम रिप्रेजेंटेड एज देखो भाई जीरोज की जो आपका कर्ब है वो एक्स एक्सेस को किन किन पॉइंट पर कट कर रहा है उन्हें देखो एक कर रहा जीरो मतलब हाफ पर और दूसरा कर रहा है माइनस थ्री पॉइंट फाइव यानी कि माइनस के सेवन बाई टू पर तो ये इसके क्या हो गए ज़ीरो तो यानी कि हाफ और माइनस का सेवन बाई टू फा वट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोलिनोम देखो भाई सबसे पहले मैं माइनस लगा देता हूँ क्योंकि जो कर्व है वो उल्टा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ठीक है भाई इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ठीक है बहुत अच्छी बात तो माइनस का एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों तो सम देखो सेवन में से एक गए बचेगा सिक्स सिक्स डिवाइड बाई टू हो जाएगा थ्री तो माइनस माइनस प्लस का थ्री और ये हो जाएगा माइनस का सेवन बाय फोर ठीक है फोर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर एक्स स्क्वायर प्लस के ट्वेल्व एक्स माइनस के सेवन तो यहाँ आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस के ट्वेल्व एक्स प्लस के सेवन

इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इंटू थ्री प्लस का सेवन तो थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स ट्वेल्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स हो जाएंगे सेवेंटी टू प्लस सेवन कोई दिक्कत तो नहीं है अब देखो वैल्यू तो कितनी हो गई सिक्सटी सिक्सटी फाइव कि आगे वैल्यू सिक्सटी फ़ाइव तो उसने पूछा था वट विल द वैल्यू ऑफ पोलिनोमल रिप्रेजेंटेड बाई द ग्राफ एक्स इजिकल टू थ्री तो एक्स इजिकल टू थ्री पर जो वैल्यू है वो आपकी सिक्सटी फ़ाइव है बहुत ही आसान सा था ठीक है चलो भाई आगे देखते हैं क्या कह रहा है एल्फ़ा एंड बीटा एल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल ये आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है तो देखो इससे सम निकाल लेते हैं जो आपके पास इक्वेशन है x2 2x minus 8 तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों माइनस का b upon a यानी कि माइनस का 2 और अल्फा बीटा क्या होता है c upon a यानी कि माइनस का 8 क्लियर है इतनी बात अब निकालना किसको है तो अल्फा की 4 बीटा की 4 चलो भाई बढ़ते हैं अल्फा की 4 और बीटा की 4 देखो बच्चों अब ना तो आपको अल्फा 4 पता ना बीटा 4 तो आप क्या करो इसको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो अगर मैं इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं, तो इसमें टू ए बी वाला टर्म एक्स्ट्रा आएगा तो मैं उसको माइनस कर दे रहा हूँ ठीक है ना मैंने क्या करा टू ए बी एड कर दिया तो टू ए बी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया अब आप इसको फिर से फॉर्मूला बना सकते हो कि एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू एल्फा बीटा बहुत आसान है ना बस छोटा सा फॉर्मूला ही याद रखना है एल्फा तो प्लस बीटा है माइनस टू तो माइनस टू का स्क्वायर हो गया फोर एल्फा बीटा है माइनस एट माइनस माइनस प्लस टू माइनस एट का स्क्वायर ठीक है ना चलो भाई क्या आता है तो सोलह प्लस चार यानी कि बीस बीस का स्क्वायर हो गया चार सौ टू इंटू सिक्सटी फोर तो चार सौ माइनस टू फोर जट और सिक्स टू ज हो जाएंगे ट्वेल्व तो इसमें से बचेगा टू सेवन टू कितना आसान सा क्वेश्चन था ठीक है ना टू सेवन टू तो मैंने क्या बताया कि अल्फा की फोर बीटा की फोर था तो मैंने उसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बनाने की कोशिश की तो मैंने उसमें टू ए बी एड कर दिया और टू ए बी सब ट्रैक्ट कर दिया यही ना भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आप ऐसे तो लिख ही सकते हो ना इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी एड कर दो और टू ए बी सब ट्रैक्ट कर दो जिससे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए ठीक है ना ओके okay. अब कहता है फाइंड ए क्वालिटिक पोलिनल वेयर सम एंड प्रोडक्ट इज जीरोज़ इतना ठीक है भाई आपके पास होता है एक्स स्क्वायर इंटू माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ है आपके पास ज़ीरो और रूट सेवन तो ज़ीरो इंटू सेवन प्लस रूट सेवन देखो कोई ऑप्शन है क्या ठीक है और के आपका मल्टीप्लिकेशन में रहता ही है कोफ़िशेंट उसने नहीं दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट सेवन तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी क्या वैल्यू आ जाएगी ये क्लियर है सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बहुत ही आसान सा पैसेज था बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज भी था तो बच्चों मजा आया होगा आपको तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही थैंक यू